मात्रा मैंने शिकायत की है, पोर्टल में शिकायत गई है, 300 मकान बांग्लादेशी बने हुए हैं। चार निरोधक ब्यूरो एंटी करप्शन अजमेर को 12 तारीख को एक रिपोर्ट मिली थी कि ईदगाह कॉलोनी के अंदर परिवादी द्वारा एक भूखंड परचेज किया गया था। उस भूखंड पर पिछले 3-4 माह से निर्माण कार्य चल रहा है। उस निर्माण कार्य को स्थानीय वार्ड पार्षद श्री वीरेंद्र वालिया द्वारा अवैध बताकर जेसीबी से तोड़ने की लगातार धमकी दी जा रही है और बार बार नगर निगम के अधिकारियों और उनकी दोस्त दिखाकर इस निर्माण कार्य को तोड़ने की धमकी देकर इसको डराया धमकाया जा रहा है। और इसके परिवादी के एक रिलेटिव का और पड़ोस में एक भूखंड था, उस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ठेकेदार को भी ये बार बार जाकर परेशान कर रहे थे, उसको काम बंद करने की धमकी दी जा रही थी। 12 तारीख को इसका डिमांड वेरिफिकेशन करवाया गया, जिसमें दो भूखंडों का प्रति भूखंड 25,000 रुपये रिश्वत राशि की डिमांड करके 50,000 रुपये टोटल की रिश्वत राशि की डिमांड की गई थी। वेरिफिकेशन के दौरान ये क्लियर हो गया था कि श्री वीरेंद्र वालिया और दलाल रोशन चिता और एक अन्य द्वारा वह मौके पर 20,000 रुपये प्रथम किस्त लेने पर ये सहमत हुए और ये कहा गया कि ये दलाल बात कर लेंगे। इसके बाद में कल रोशन चिता अजमेर से बाहर होने की वजह से रिश्वत राशि नहीं ली गई थी। आज रोशन बाहर से आते ही परिवादी से वार्ता की गई। वार्ता के बाद में ईदगाह गेट के पास अपनी दुकान पर परिवादी को बुलाया और वहाँ 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड गिरफ्तार किया। डिमांड कितनी? परिवादी का हम गोपनीय रखेंगे। कितने परिवादी हैं सर, एक या दो है? परिवादी एक ही है और एक उसका ठेकेदार है जिसको भी कंटिन्यू ये थ्रेटनिंग की जा रही थी, और दो परिवादी हैं। दो जिस जो परिवादी है अपना, उस परिवादी के रिलेटिव का है, इसीलिए इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप ही इसकी राशि दो। परिवादी ने कई बार कहा कि भाई मेरा उससे ज़्यादा लिंक नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूसली उसे 50,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। रिश्वत की, रिश्वत की रकम, रिश्वत की रकम जब रिश्वत की राशि पार्षद मौजूद थे, पार्षद से कंटिन्यूसली दलालों से बात हो रही है, और जब डिमांड वेरिफिकेशन हुआ था उस समय पार्षद वहाँ मौजूद थे और इन्होंने ये स्पेशली कहा कि ये बात कर लेंगे। इस तरह से इसकी डिमांड वेरिफिकेशन और इनकी कंसर्न है, इसलिए आज रोशन चिता और वीरेंद्र वालिया को रेड हैंडेड पकड़ा है, जिसकी कार्रवाई जारी। तो भाजपा पार्षद ने एसीबी की कार्रवाई में सहयोग किया है या कोई प्रोटेस्ट किया, कुछ इस तरह का बिहेवियरल अप्रोच क्या रही? आरोपीगणों द्वारा मौके पर हमने जाल बिछा कर ट्रैप किया, इसलिए इनको ज़्यादा प्रोटेस्ट करने का हमने कोई मौका नहीं दिया और कृष्णगंज थाने के अंदर कार्रवाई चली। सर, आपने जैसा कहा कि निगम के भी कुछ लोगों के जरिए नाम से डरा रहा था, कोई मौके पर भी आया था कि निगम का अधिकारी है कोई जेसीबी की ओर से? हाँ, ये इनकी जो परिवादी की और ठेकेदार की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी निगम के अधिकारियों को नाम ले लेकर इनको डराया धमकाया। कौन कौन से नाम थे सर? कुछ सॉरी, ये अनुसंधान का हिस्सा है। अभी हम इस चीज़ को, तीसरा जो आरोपी है रिश्वत मांगने का, वो कौन है, क्या रोल है उसका? सॉरी, ये अनुसंधान का हिस्सा है, मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नहीं, वो प्राइवेट व्यक्ति है, उसके संबंध में अनुसंधान, थोड़ा अनुसंधान से स्थिति क्लियर होगी। अभी रिसेंटली हमने दो वीरेंद्र वालिया श्री वार्ड पार्षद और रोशन चिता को डिटेन किया है, जिसकी कार्रवाई जारी। राशि 20,000 रुपये की ट्रैप राशि है, जिसको हमने रिकवर कर लिया है। कितना नोट है सर, किस किस हैं? ये डिटेल बताना यहाँ उचित नहीं है। अब यहाँ इन चीज़ों का खुलासा किया जाना उचित नहीं है, अभी ट्रैप कार्रवाई चल रही है। हम थोड़ा अच्छा, जहाँ पर ये मकान निर्माण हो रहे हैं, क्या वो लैंड खातेदारी लैंड है या वो गवर्नमेंट लैंड अभी है? ये अनुसंधान का विषय है। परिवादी द्वारा परचेज की गई जमीन है।
परचेज की। शुक्रिया शुक्रिया। फोटोग्राफी वीरेंद्र वालिया, जो करीबन 250 से 300 मकान वहाँ पर बने हुए हैं, वहाँ पर लाइट भी है, पानी का बिल भी आता है, लाइट भी है, और उनको धमका धमकियों के आए दिन उन गरीबों के साथ अत्याचार करता है। उनको कहता है जेसीबी लेके आऊँगा, ये मकान तोड़ो, जो भी नया निर्माण होने लगता है उसको धमकी देता है कि जेसीबी ला के मकान तोड़ दूंगा। तो 40,000 की डिमांड करता है हर मकान वालों से। आए दिन सैटरडे संडे को भी निगम के कुछ अधिकारी है, उनको लेके जाता है, उनको धमकाता है निगम के थ्रू कि इसको ये तोड़ना, ये तोड़ना। तो डर के मारे डेली कुआं खोद के पानी पीने वाले व्यक्ति है, वो बेचारे गरीब आदमी है, दिन दहाड़ी पर बाटा चुना बाटा का काम करते हैं वो लोग, है ना। आज ये हुआ, आज के पिछले 3 दिन से इसका कार्रवाई चल रही है। पिछले 3 दिन पहले हमारे पास वालिया का फ़ोन आया था, मेरे परिवादी जो मैंने जिसको लगाया था ट्रिप के लिए, उसके पास फ़ोन आया कि तेरा मकान तोड़ने आ रहा हूँ, जेसीबी तिलतिला लेके आ रहा हूँ, कि तू आ रहा नहीं आ रहा है। तो उसने कहा भाई साहब आ रहा हूँ। तो उस दिन उसने कहा कि पंडित को अगले दिन पैसे दे देना। पंडित आए नहीं, फिर कहा रोशन को दे देना। रोशन चीता बाहर गया हुआ था 2-3 दिन से, तो आज आया और रात ही हमने उसको ट्रैप करा दिया। रोशन चीतों को रंगे हाथ पैसे दिलाए। करीबन 40,000 की डिमांड थी, 20,000 हमने उसको दिए और 20,000 बाद में देने की बात करी। उसके बाद रोशन चीता ने वालिया जी को फ़ोन करा और वालिया जी के सामने एसीबी वाले ने पूछा वालिया को, तो वो खुद मना कर रहा है कि मैं नहीं जानता वालिया को, और भगने लग गया वहाँ से। तो आतवाद मेरे जो परिवादी थे उन्होंने बोला कि भैया ये रहा वालिया जी, तो उसको रंगे हाथ भगते पकड़ा एसीबी ने। ये करीबन भैया 250 घर है, उसमें मेरे पास 40 से 50 परिवार आए थे मेरे पास कि भैया हमको बचा लो, हम जाएंगे कहाँ, डेली कुआ खोद के पानी पीने वाले आदमी है, जाएंगे कहाँ, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हम मर जाएंगे। अब सरकारी है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सरकारी भूमि मान गया, तो सरकारी भूमि है तो वहाँ लाइट बिल कैसे आ गया, पानी का कनेक्शन कैसे आ गया? पिछले 20 सालों से उनके पास पानी कनेक्शन है, लाइट बिल है, सब कुछ है, तो सरकारी भूमि है तो पार्षद मिले हुए ना। आज ये अवैध पट्टों का देख लो क्या कार्रवाई है, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि बिल्कुल ओपन है, ओपन वीडियो है मेरे पास, ओपन दस्तावेज है मेरे पास, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब तो उम्मीद है कि हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है, प्रशासन से मतलब नहीं है, एसीबी पर ट्रस्ट है, और आने वाले टाइम में ऐसे भ्रष्ट पार्षदों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्रवाई करती रहेगी। बिल्कुल, ये पब्लिक, मैं कहता हूँ ना समझ पब्लिक है, उस समय ये क्या पब्लिक बिक जाती दारू और मीट में, ये हकीकत है, धरातल की बात है, पब्लिक बिक जाती दारू और मीट में, 500 रुपये 1,000 रुपये में बिक जाती है, उस समय तो बिक जाएगी। चुनाव खत्म होते ही आप कौन, तो उन पब्लिक को मैं एक संदेश देना चाहूँगा, साहब जनप्रतिनिधि चुनो तो ऐसा चुनो जो आपके बीच में रहे, आपकी सेवा करें, ना कि चोरीवाड़ी करें। आप देख लो ना, पार्षद बनते दूसरे दिन स्कॉर्पियो, नई नई गाड़ी है, फोटो आ जाती, तो कहाँ से पार्षद की क्या सैलरी, 3,000 रुपये सैलरी है, तो कहाँ से ये गाड़ी ला रहे, कहीं ना कहीं तो पार्षद अजमेर शहर में भ्रष्ट हो चुके हैं, और आए दिन ये भ्रष्टाचार फैला रखा है, हिम्मत नहीं इन लोगों में, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी, ये वादा रहा। बिल्कुल सरकारी है, बिल्कुल गलत है, तो एक बार सुनो, गलत है मान गया, तो ये गलत नहीं है 40,000 मांगना। पार्षद आप पार्षद हो तो आप जनप्रतिनिधि हो तो आप सच्चाई के साथ काम करो ना। उधर कम से कम 250-300 मकान है, बिल्कुल तोड़ो, अगर एक का टूटता 20 साल से, अगर जब सरकार ने उनको क्यों सुविधा दी, पानी की सुविधा क्यों दी, लाइट की सुविधा क्यों दी, हर सुविधा क्यों दी, 20-20 साल पुराने बिल आ रहे हैं तो क्यों दिए सरकार ने, तो कहीं ना कहीं सिस्टम आगे तक भ्रष्ट है, ये नहीं कहते हैं आगे तक भ्रष्ट है। जब लाइट का बिल 20 साल पुराना, मेरे पास लाइट का बिल पड़ा उन परिवारों का कि भैया 20 साल से रह रहे, पानी का बिल पड़ा, तो कैसे आगे, सरकारी भूमि पर कभी लाइट और पानी आ सकती है क्या? वालिया जी का रिकॉर्ड तो पूछे मत, सबसे महान आदमी है, क्या क्या नहीं किया है, हर जगह अवैध बिल्डिंग, जैसे अभी बिल्डिंग टूटी है, मकानों को तोड़ने के अलावा भी और किसी चीज से रिश्वत या कुछ मांग की जाती है, ये तो आए दिन हर किसी से रिश्वत मांगते हैं अपने वार्ड में, इनके जिसके नियमन शुदा पट्टे हैं उनसे, उनका वो क्या घबरा रहे मेरे साथ मानने आते, वो भी मिले मेरे से कि भैया हमसे 1,00,000 रुपये वालिया जी ने लिया, उनमें हिम्मत ही तो नहीं है, वो डरते हैं कि हम परिवार वाले भैया करेंगे क्या, अरे परिवार वाले तो आप एक नियमन शुदा पट्टों की 1,00,000 रुपये दे दिए, और तो सोचो पढ़े लिखे इंसान ना समझ बन रहा है आज की तारीख में ऐसे भ्रष्ट पार्षदों को आगे बढ़ा रहा है। तो जनता से अपील करता हूँ, आप डरते क्यों हो, आपके साथ प्रशासन है, एसीबी है, सब कुछ है ना, आपने चुना तो इनको जेल में बिठाने का भी अपना हक है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे भी ये कार्रवाई करती रहेगी। आशीष सोनी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अजमेर शहर जिला।